अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और स्टोरी से कनेक्टेड हम आगे अपने मैथ्स को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? हमारी नॉर्मल नेचुरल लाइफ में भी हर जगह मैथ्स की ज़रूरत है। कैसे, आइए देखते हैं। दो बच्चे अरीशा और अहमद दोनों खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? हॉपिंग हॉपिंग खेल रहे थे। हॉपिंग हॉपिंग मीन्स जंप एंड जंप एंड जंप। दे वर जंपिंग वंस एंड वंस। एक बार अहमद ने जंप किया, एक बार अरीशा ने जंप किया, देन फिर अहमद ने जंप किया और फिर अरीशा ने जंप किया। आपको पता है क्या हो गया? उन दोनों बच्चों के दरमियान में लड़ाई हो गई। और पता है किस बात पे? अहमद बोल रहे थे कि उन्होंने ज्यादा जंप कर लिया है, वो आगे पहुंच गए हैं। अरीशा कह रही थी नहीं, वो आगे पहुंच गई हैं। और गेम जो है वो लड़ाई में बदल गई। लेकिन हमें तो लड़ना नहीं है, हमें तो गेम खेलनी है ना। मैथ्स के साथ भी ऐसे ही गेम्स खेलनी है। मम्मा वॉज वेरी क्लेवर। मम्मा ने क्या किया? मम्मा आई और पूछा, व्हाट इज द रीजन, क्या मसला है, क्या परेशानी है, भाई बहन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मम्मा को सारी बात बताई अरीशा ने। मम्मा वी वर हॉपिंग, और उसमें क्या हो गया, अहमद चाह रहा है कि वो ज्यादा जंप कर रहा है और अरीशा चाह रही है कि वो ज्यादा जंप करिए। अब कैसे डिसाइड किया जाए? मम्मा ने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। कैसे? ऐसे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे नंबर्स लिख दिए विद इक्वली डिस्टेंस। इक्वली डिस्टेंस से मम्मा ने वन लिखा, फिर बराबर में इक्वल डिस्टेंस लगा के दो लिखा, फिर तीन लिखा, फिर चार लिखा, फिर पांच लिखा। इससे क्या हुआ? इससे मम्मा ने कहा कि अब आप दोबारा से गेम स्टार्ट करें, जैसे आप हॉप कर रहे थे वैसे आप हॉपिंग करें, स्टार्ट करें, जंपिंग करें। अहमद ने जंप किया, पता है वो अहमद जंप करके एक नंबर से सिक्स नंबर पे पहुंच गया। और जब अरीशा ने जंप किया तो अरीशा फोर नंबर पे पहुंच गई। इससे क्या हो गया? लड़ाई खत्म हो गई और पता लग गया कि अहमद का जंप जो था वो ज्यादा फॉरवर्ड था, ज्यादा आगे का था, सिक्स नंबर तक पहुंच गया था ना, और अरीशा जो है वो फोर नंबर तक पहुंची थी। और इससे उनकी लड़ाई हो गई खत्म और गेम हो गई दोबारा से स्टार्ट। दोबारा से हॉप करना स्टार्ट कर दिया। अहमद ने सिक्स नंबर से जंप किया जो कि फिर नाइन नंबर तक गया, और अरीशा ने फोर नंबर से जंप किया जो कि एट नंबर तक गया। ऐसे खेलते खेलते उन्होंने अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजारा। और ये जो लाइन मम्मा ने वेरी क्लेवरली खींची वो क्या थी? That is called number line. यही तो number line कहलाती है। इसी number line के हिसाब से हम तमाम numbers देख सकते हैं कि कौन सा number किस number के बाद आएगा, या कौन सा number एक number के बाद equally distance पर है। ये number line कहलाती है। और आज हमारा topic भी number line का ही है। तो ये concept आपको समझ आया? ये गेम आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ खेलिएगा या अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? और अब आ जाते हैं मैथ्स की तरफ। इन्हीं गंबल को मैथ्स में लेकर आते हैं। मैथ्स में नंबर लाइन पेज नंबर 13। अपनी बुक्स के साथ रहिए और बुक्स को अपने सामने रखिए और पेज नंबर 13 पे आ जाइए। लुक, वहां पे आपके पास क्या लिखा है? आपके पास लिखा है लुक एट द नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स को देखिए। हम नंबर को वन से भी और कहीं और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। काउंटिंग तो सबको आती है ना, भूल तो नहीं गए? शाबाश, गुड। अ नंबर लाइन कैन बी यूज टू फाइंड आउट व्हाट कम नेक्स्ट इन द नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न पे अगला नंबर कौन सा आएगा ये हम देखते हैं। In this pattern, start from 15 and count in ones to find out the number next number. Next number मालूम करने के लिए number का pattern जो start हुआ है वो 15 से start हुआ है, check करें एक line पे
नंबर स्टार्ट हैं 15 से और एरो के साथ इक्वल डिस्टेंस पे 16 जा रहे हैं, 17 जा रहे हैं, 18 जा रहे हैं, 19 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं। ये हम नंबर लाइन बनाते हैं नंबर्स के नेक्स्ट नंबर को मालूम करने के लिए, अपनी आसानी के लिए, और हम इससे डिफरेंट गेम्स भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमारा मिसिंग नंबर मिल गया जो कि क्या है, 18 नंबर है। नंबर लाइन के हिसाब से बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल नहीं हुई। इसी तरह से हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स स्टार्ट, स्किप काउंटिंग इन टू, टू नंबर्स को स्किप करना है, छोड़ना है। अब हम नंबर लाइन ऐसी बना रहे हैं जिसमें दो नंबर छोड़ने हैं, स्किप करने हैं। चेक इट, लेट्स स्टार्ट। 111 का नंबर बना हुआ है, 113 का नंबर बना हुआ है, यानी कि नंबर 112 का नंबर लेफ्ट है, छोड़ा हुआ है, स्किप किया हुआ है। ठीक है, और 1113 के बाद 1115 आया हुआ है, यानी कि कौन सा नंबर छोड़ा हुआ है, 114 छोड़ा हुआ है। 115 के बाद हमें कौन सा नंबर लेफ्ट करना है, हमें कोई एक नंबर लेफ्ट करना है और 12th नंबर दूसरा नंबर लिखना है। ठीक है, तो वंस हमने एक नंबर छोड़ा, 116 छोड़ दिया, 117 यहाँ पे क्या आएगा, हमारे मिसिंग नंबर की जगह पे जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 117। इट्स इजी, बहुत आसान है। रेडी, आप तैयार है ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, शाबाश। स्किप काउंटिंग इन फाइव्स, फाइव नंबर्स को स्किप करना है, 1 2 3 4 5 नंबर जो भी आपको गिवन होंगे उस नंबर में 5 को ऐड करेंगे, स्किप करेंगे, छोड़ देंगे और नेक्स्ट नंबर आप लिखेंगे। नंबर लाइन में स्किपिंग नंबर्स भी कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, लुक एट दिस पैटर्न, पैटर्न को देखते हैं, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। ये नंबर लाइन जो है वो बैक पे जा रही है, 235 गिवन है, देन हमारे पास 5 नंबर को स्किप करना है, लेकिन स्किप कैसे करना है, बैक स्किपिंग करनी है। देखें आप अपनी पैटर्न लाइन पे, नंबर लाइन पे आपके पास क्या गिवन है, 235, देन 230 बैक आ रही है, लाइन क्या है, 5 नंबर्स बैक आ रही है, 35 में 5 थे, अब 200 वहीं पर है, 35 में से माइनस हो गए, 30 हो गए। ठीक है, देन हमारे पास है 5 नंबर और बैक पीछे आ रहे हैं, 225 हो गए, शाबाश। और इसी तरह से 225 के बाद और पीछे आए तो 220 हो गए। इसी तरह से हमें 5 नंबर का गैप करके, 5 नंबर का गैप करके पीछे आना है। ठीक है, नंबर पीछे आ रहे हैं, 220 के बाद 215 लिखा है, तो हमारे गैप लाइन पे, हमारे मिसिंग नंबर पे क्या आएगा, 215 के बाद 5 नंबर्स पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 210। गुड, वेरी गुड, बच्चों को समझ आ रही है ये चीज, वेरी गुड, क्लैप फॉर स्टूडेंट्स, योरसेल्फ, शाबाश। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, आपका मिसिंग नंबर यहां पे मेंशन हो जाएगा 210। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट्स योर लास्ट क्वेश्चन, और इसके करने के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे और देन हम अगली बार एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, लुक एट द नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न हमें देखना है, क्या ये फॉरवर्ड जा रहा है या बैक जा रहा है, पहले हमें चेक करना होगा। 2 455 465 465 475 495 495, कौन मुझे बताएगा 4655 और 465 और 475 के दरमियान में, एक नंबर से दूसरे नंबर के, दूसरे नंबर के दरमियान में कितना गैप है, किस स्टूडेंट्स को काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है वही स्टूडेंट इन नंबर्स के दरमियान में काउंट करेगा कि कितने नंबर्स हैं। और अगर एक नंबर दूसरे नंबर के दरमियान में जितना गैप होगा, अगले नंबर के दरमियान में भी उतना ही गैप होगा। ठीक है, 455 के बाद 465 में कितना गैप है, काउंट करते हैं,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 and 65 is given. मैंने 4 नहीं बोला, 400 will be same. 400 सेम रहेगा. 55 से 56, 65 में कितने नंबर्स का डिफरेंस हुआ? 10 नंबर्स का. गुड, 10 नंबर्स का डिफरेंस है. तो इस पूरी सीरीज में हमारे पास 65 से 75 तक 10 नंबर्स, 75 से 85 तक 10 नंबर्स, 400 है इनके साथ, भूलना नहीं है. ओके अच्छा, तो हम फॉरवर्ड लाइन बनाएंगे. लाइन आपके पास बनी हुई है, पैटर्न लाइन देखें, नंबर लाइन देखें. 455 के बाद 465, 465 के बाद 475, 485 और 495. उसके बाद क्या आएगा? 10 प्लस करेंगे और वो नंबर हमारे पास आएगा और वही नंबर हम अपने मिसिंग ब्लैंक में लिखेंगे. और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिव्यू करना है, याद करना है. और यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है जिसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो उनको बताना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है. ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे.